नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हैं कि खुसूसी मौजूआत पर हमारा ये सिलसिला जारी है। आज का मौजू ये है कि हरियाणा के गोरक्षक जो दहशतगर्द हैं, अब वो कानूनी एतबार से ख़ुद को मुसल्ला करना चाहते हैं, यानी कि रिवाल्वर रखना चाहते हैं, लेकिन वो भी कानूनी, किसी को मारना चाहते हैं तो कानूनी तौर पर। एक रिपोर्ट आई है दी ट्रिब्यून के हवाले से और टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हरियाणा में गोरक्षक ग्रुप खुद को मुसल्ला करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका इल्जाम है कि हाल ही में उन पर हमलों में इजाफा हुआ है। एक कौन से हमले खुद करते हैं, गोलियां खुद चलाते हैं, हुजूमी तशद्दुद के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर कितने मुसलमानों को मार गिराया। दी ट्रिब्यून के मुताबिक एक ताजिर जिसको गोरक्षक ग्रुपों से वाबस्ता बताया गया है, उसको मंगल यानी 25 जून को हरियाणा के नूह जिले में मुबैना तौर पर कुछ लोगों ने गोली मारी थी। मुमकिन है इसी के लोग मारे होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ताजिर के हवाले से बताया कि उन्हें शिबा है कि उन पर हमला करने वाले मवेशियों के स्मगलर हैं, लेकिन मकामी पुलिस उसकी तस्दीक करने से कासिर है। पुलिस ने ट्रिब्यून को यह भी बताया कि इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि ताजिर गोरक्षा की किसी सरगर्मी में मुलव्वस था या नहीं। दो हफ्ते कबल पीटीआई ने मकामी पुलिस के हवाले से बताया था कि नूह में एक गोरक्षक को स्मगलरों ने उस वक्त गोली मारकर हलाक किया जब उसने मवेशियों की स्मगलरों की गाड़ी का पीछा किया था। दी ट्रिब्यून के मुताबिक ताजिर पर मुबैना हमले के बाद गोरक्षक ग्रुप अपने अराकीन से असलिया लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने को कह रहे हैं। अखबार ने गोरक्षकों के एक रहनुमा के हवाले से बताया कि हालिया दिनों में उन पर हमलों में इजाफा हुआ। गोरक्षक ग्रुप के लीडर श्रीकांत मेवाती ने इल्ज़ाम लगाया, हमलों में इजाफा हुआ है, गायक स्मगलर खामोश बैठे थे लेकिन हालिया लोकसभा इंतखाबात के बाद वो अचानक सरगर्म हो गए और इस बार ज़्यादा ताकत के साथ। हरियाणा में गाय के ज़बीहा पर पाबंदी है, हुकूमत ने पाबंदी को नाफिज करने में मदद के लिए रियासती और ज़िली सतह पर गोरक्षा टास्क फोर्स बनाई है। मकामी गोरक्षक ज़िली सतह की टास्क फोर्स के रुकने और पाबंदी को नाफिज करने में भी मदद करते हैं। ऐसी खबरें हैं कि नूह के मुसलमान बाशिंदों, जो कि मुस्लिम अक्सरियती ज़िला का है, कहना है कि मवेशियों से मुतालिक लिंचिंग के वाक़ात और गोरक्षकों के खौफ ने ज़िले में मवेशियों की एक ज़माने में मकबूल तिजारत को कम कर दिया है। पिछले साल ये ज़िला फ़िरक़ावाराना तशद्दुद का गवाह बना था जिसमें कम से कम 7 अफराद हलाक हुए थे और अमलाक को नजर आतिश किया गया था या नुकसान पहुंचाया गया था। तशद्दुद के पीछे एक वजह इस वीडियो को माना गया था जिसमें खुद साख्ता गोरक्षक मोनू मानेसर को देखा जा सकता है जो कत्ल की कोशिश का मुलजिम है। उसे गुज़िश्ता साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था, जनवरी में उसे जमानत मिल गई थी। ट्रिब्यून ने गोरक्षक ग्रुपों के हवाले से बताया है कि उन्होंने नूह के फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद 90 असलहा लाइसेंस हासिल किए हैं, लेकिन उन्हें कोई ज़्यादा की और ज्यादा की जरूरत है। यानी कि पुलिस लगातार इन गोरक्षक नामी दहशतगर्दों को कानूनी तौर पर हथियार रखने की इजाजत दे दी जा रही, यहां तक कि 90 असलहा इनके पास इस वक्त लाइसेंस वाले हैं। नाज़रीन, मुझे इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुरअत हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुरअत हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,